हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं फाइंड राजू यूट्यूब चैनल। अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इससे वीडियो अगर बनाना चाह रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक और एंड तक देखते रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम इसी तरह के वीडियो डालते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को एंड तक और लास्ट तक देखते रहेगा ताकि, चलिए वीडियो बिना बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको कैनवास ओपन करना है, उसके यहाँ से प्लस साइन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से 6.9 को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने का आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद यहाँ से आपको बैकग्राउंड चूज करना है। बैकग्राउंड चूज करने के लिए यहाँ से जाइएगा मीडिया पे, मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड को एक सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ऑल प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करने के वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के इस तरह से इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने यहाँ से देखिए क्रॉप का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद क्या करना, आपको इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट वाले को, इसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, जितना आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं इसको एडजस्ट कर लीजिए। करने के बाद यहाँ से प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने का आपको इस तरह इंटरफेस होगा, इसको यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने के बाद इसको लेयर को बढ़ा देना है, इस जगह से लेयर को बढ़ा देना है। चलिए मैं यहाँ से 15 सेकंड या चलिए 15 सेकंड कर देते हैं, इसके बाद इसको यहाँ से छोड़ देना। चलिए 15 सेकंड होने के बाद क्या करना, आपको यहाँ से जाना है लेयर में, लेयर का ऑप्शन देगा, इस पर लेयर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से मीडिया पर क्लिक करिए। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको PNG को सेलेक्ट कर लेना। फिर मेरे पास ये PNG है, इस PNG का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वही ऑल प्रोजेक्ट पर क्लिक करेगा तो उसमें वेबसाइट जाइएगा और वहाँ पर लिखा होगा ऑल PNG डाउनलोड, और वहाँ से भी इसको PNG को डाउनलोड कर लेना आपको। उसके डाउनलोड करने का इसको इसमें अपना इमेज लगा सकते हैं, चाहे किसी का भी इमेज इसमें लगा सकते हैं। चलिए इसे यहाँ इमेज को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद इसको लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है। इस तरह से लास्ट बढ़ा देने के बाद क्या करना है, इसको साइज को छोटा कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए इतना साइज सही है। इसका क्या करना है, चाबी का आइकन दिखेगा इस जगह पर, यहाँ पर चाबी का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लीजिए और इस तरफ ले आना है। इस तरफ लाने के बाद क्या करना, नीचे स्क्रॉप कर लेना है थोड़ा सा। स्क्रॉप करने के बाद क्या करना है, उस इमेज को सेलेक्ट कर खींच के इस जगह पर ले आना है, इस पर एडजस्ट कर देना है। इस जगह पर एडजस्ट करने पर इसको इस जगह से छोड़ देना है। उसका क्या करना है, इसको डन कर देना है, यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से जाना है आपको लेयर में। लेयर में जाने के बाद क्या करना है, आपको लेयर में क्लिक करने का यहाँ जाना है ओवर लेयर में। ओवर लेयर में जाने का यहाँ से आपको डीजे लाइट को सेलेक्ट करना है। लाइट को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और लाइट डीजे लाइट कैसे डाउनलोड किया जाता है आपके पास नहीं है और डाउनलोड करना नहीं जानते हैं तो प्राइवेट बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखने के बाद आसानी से वीडियो को डीजे लाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। चलिए मैं इस वाले सेलेक्ट डीजे लाइट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है। इस तरह से लास्ट तक बढ़ा देंगे, इसको साइज को छोटा कर लीजिए। चलिए इतना सही है। इसका इस जगह पर लाकर एडजस्ट कर देना है। करने के बाद इसको यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इसको कर देना है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से इसको बैक कर देना है। चलिए जगह बैक हो गया। बैक होने के बाद क्या करना, आपको इस जगह पर छोड़ देना है और जाना है आपको फिर से लेयर में। लेयर में जाने के बाद यहाँ से आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, फिर मीडिया पर क्लिक कर देना है और दो इमेज का और सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं दो इमेज को यहाँ से फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी इस तरह से दोनों इमेज को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट किस जगह से फर्स्ट वाला हो गया, उसका सेकंड वाला को भी सेलेक्ट कर लेना। चलिए यहाँ से सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है, फुल कर देना है और इसके यहाँ से साइज को छोटा कर लीजिए और सेकंड वाला इमेज को भी छोटा कर लीजिए। चलिए यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं। इस तरह से आपको भी छोटा कर लेना है साइज को। चलिए इतना से छोटा सही हो गया। और क्या करना है, आपको इसको सेंड टू बैक कर देना है, दोनों इमेज को बैक कर देना है। इस तरह से इसको भी 3 डॉट पर क्लिक करके इसको भी बैक कर देना है। चलिए बैक हो गया। बैक होने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर चाबी का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉप करिए। स्क्रॉप करने के बाद क्या करना है, इसको खींच के इस तरफ ले आना है, इस जगह पर एडजस्ट कर देना है, साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए। और सेकंड वाला जो इमेज है इसको भी इस चाबी आइकन पर क्लिक करिए, यहाँ से चाबी आइकन पर क्लिक करना है और इसको भी थोड़ा सा स्क्रॉप करके इसको भी इस तरफ ले आना है, इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है। बस यहाँ से काम खत्म। उसका क्या करना है, आपको फिर से जाना है लेयर में और जाना है फिर से ओवर लेयर में। यहाँ से ओवर लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस जगह पर जाना है और सबसे नीचे चलाना है और दूसरा का वाला लाइट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस लाइट को इस जगह सेलेक्ट कर लेना है और इसको पूरा डन कर देना, पूरा लास्ट तक लेयर को बढ़ा देना है, साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए और इस जगह पर एडजस्ट कर देना है। इस तरह से इसको एडजस्ट कर दीजिए इस तरह से, और इसको इस जगह 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डबल कर लेना है। इसे डबल का ऑप्शन मिलेगा, इस जगह पर आपको इस जगह पर डबल कर देना है। डबल करने का क्या करना है, सेकंड वाले को सेलेक्ट करके इस तरफ इस इमेज के सामने ला कर इसको एडजस्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ से डन हो गया। उसके इस जगह पर एडजस्ट करने के बाद क्या करना है, आपको इसमें और इफेक्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो दूसरा इफेक्ट डालने के लिए क्या करना है, आपको इस जगह जाना है और यहाँ जाना है आपको लेयर में, जाना है ओवर लेयर में। ओवर लेयर का यहाँ से डीजे लाइट को सेलेक्ट कर लेना है। डीजे लाइट कैसे डाउनलोड कर, इसका आई बटन में ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है,
वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ क्या करना है, यहाँ से इमेज को यानी कि डीजल आर्ट को सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ से ग्रीन वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के इसको पिलर को बढ़ा देना है। सेम इसी तरह से क्या करना है आपको, इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। चलिए मैं इसको अर्थ पहले एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, ऐसे इसको एडजस्ट करना है। ग्रीन वाला इस तरफ है तो इसको इस तरफ एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हो गया। उसका क्या करना है, फिर से आपको जाना है लेयर में, फिर ओवर लेयर में जाने का दूसरे का डीजल आर्ट को सेलेक्ट कर लेना। चलिए इसे डीजल आर्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी लेयर को साइज को बढ़ा देना है। इस तरह से बढ़ा देने के बाद क्या करना है आपको, उसको भी इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको भी एडजस्ट करके दिखाते हैं आपको। चलिए एडजस्ट ऐसे कर लेना है। करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर सेट हो गया। इसे देखिए इस तरह से हो गया। इसमें एक एनिमेशन डालना है। एनिमेशन डालने के लिए क्या करना है आपको, इस जगह दिख रहा है इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करके इसमें एनिमेशन डालना होगा। चलिए मैं कौन सा एनिमेशन डालना है आपको हम बता देते हैं। नीचे जाइएगा, नीचे जाइए, देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, बीप डाउन का ऑप्शन मिलेगा। इसको इस तरह सेलेक्ट करना है। इस तरह से इसको 16 कर देना है, 2.5 कर देना है इस तरह से। और इसको यहाँ से डन कर दीजिए। डन करें तो सर का जो इमेज लाइट है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके इसमें इफेक्ट एक डाल देना है। चलिए मैं दिखाते हैं, यही इफेक्ट को यहाँ डालना है। थोड़ा सा इसको 16 कर देना है। चलिए यहाँ से 16 हो गया। चलिए डन हो गया, इसको डन कर दीजिए। डन करने का क्या करना है आपको, इस तरह से यहाँ पर इस जगह चलाना है। फिर से जाना लेयर में, जाना है ओवर लेयर में। ओवर लेयर में जाने का चल जाना है नीचे। नीचे आइए, नीचे आने का क्या करना है आपको, इस वाले को इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने का यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको डन कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से इसको डन कर देना है। डन करने का क्या करना है आपको, यहाँ से 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करके यहाँ से देखिए डबल का ऑप्शन मिल रहा है, इसको यहाँ से डबल कर देना है। ये डबल करेंगे दूसरे का इसमें आगे, इस पर क्या करना है, इस पर क्लिक करके रखिएगा। क्लिक करके रखने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रोप कर लीजिए, इस तरह से स्क्रोप कर लेना है थोड़ा सा। और इस पर फिर से क्लिक करके फिर से इसको यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डबल कर लेना है। इस तरह से डबल करके थोड़ा सा स्क्रोप कर लीजिए। फिर इसी तरह से यानी कि फटाफट इसको 3-4 कर डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इसको भी थोड़ा सा घुसका लीजिए इस तरह से, और इसको भी यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके इसको भी डबल कर लेना है इस तरह से, 4-5 कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हो गया। उसका क्या करना है, फिर से जाना है आपको, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा साइज़ को अपने हिसाब से। इसको इस जगह पर एडजस्ट कर दीजिए, जिस जगह पर एडजस्ट करना चाहते हैं आपको, जिस जगह पर अच्छा लग रहा है उस जगह पर आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। चलिए मैं इसको फटाफट इसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर, लगे दिखने में अच्छा लगेगा। चलिए इसको फटाफट इसको एडजस्ट कर देना है, इसको भी एडजस्ट कर देना है, यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, इसको भी एडजस्ट कर देना है। चलिए यहाँ से हो गया काम खत्म। इसका क्या करना है आपको, फिर से इस जगह पर जाना है लेयर पर, और जाना है ओवर लेयर में, और इस वाले को इस लाइट को यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसको नहीं करना है, दूसरे का वाले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको जो आपको पसंद पड़े वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ से ग्रीन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, पूरा यहाँ से लास्ट तक तो हो ही जाएगा, और इसको साइज को छोटा कर लीजिए और इस जगह पर एडजस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से बेहतरीन बन जाएगा वीडियो। चलिए यहाँ से आपको चला कर दिखा देते हैं। इससे पहले कि अगर आप यहाँ ऑडियो डालना चाहते हैं तो इस जगह पर ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ से ऑडियो पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो चला कर आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट वीडियो बन चुका है। इस तरह से वीडियो बना जाते, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो इसमें और इफेक्ट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। चलिए मैं और इसमें PNG इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं जो मेरे पास है, और मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो इसमें हम इसमें दिए हुए हैं डाउनलोड करने के लिए किस तरह से डाउनलोड होता है। आप जाकर उसको भी देखिए, डाउनलोड करिए और उसको यहाँ से लेयर को पूरा लास्ट तक इस तरह से बढ़ा देना है। साइज को थोड़ा बढ़ा दीजिए और इसको एडजस्ट कर देना है इस जगह पर। चलिए एडजस्ट हो गया, उसको यहाँ से डन कर दीजिए। देखिए इस तरह से हो गया। और इसको सेव करने के लिए यहाँ देखिए इस जगह शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको इस तरह से जितना आप यानी कि सेव करना चाहते हैं, जितना HD में, फुल HD में, SD कार्ड में, जैसे चाहते हैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर सकते हैं। वीडियो आपको किस तरह से कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।